बॉस 16 के ग्रैंड फिनाले में चंद ही दिन बाकी हैं। बिग बॉस ने इस सीजन का अपना सबसे बड़ा दाव चलते हुए टिकट टू फिनाले वीक शुरू कर दिया है, जहां इस हफ्ते सभी घर वाले अलग अलग टास्क करके कैप्टेंसी जीतने की कोशिश करेंगे ताकि वो फाइनल की रेस में शामिल हो सकें। इसी बीच बिग बॉस ने सभी घर वालों से प्रियंका चाहर चौधरी के बारे में राय जानी, लेकिन जब शिव ठाकरे की बारी आई तो उन्होंने कन्फेंशन रूम में जाकर एक्ट्रेस को एक्सपोज कर दिया और बताया कि कैसे उनका गेम प्लान बदलता जा रहा है। मेकर्स ने 17 जनवरी को आने वाले एपिसोड में प्रोमो में इसकी झलक दिखलाई है। शालीन भनोट से लेकर एमसी स्टैन और शिव ठाकरे समेत अन्य घर वाले बारी बारी से कन्फेशन रूम में जाते हैं और वो बताते हैं कि प्रियंका चाहर चौधरी के गेम के बारे में उनकी क्या राय है। शालीन भनोट बोलती हैं कि उन्हें प्रियंका के लॉजिक सही नहीं लगते, वो कोई एक शब्द पकड़ लेती हैं और फिर उसका अपने हिसाब से मतलब निकालती हैं। उन्होंने दूसरों को नीचा दिखाकर अपने आप को सबसे ऊपर दिखाना होता है। जब शिव ठाकरे की बारी आती है तो वो प्रियंका के गेम का ही पर्दाफाश कर देते हैं। शिव ठाकरे प्रियंका के लिए बोलते हैं उसको लगता है कि ट्रॉफी सिर्फ उसकी ही है। प्रियंका का सबसे मेन और स्ट्रॉन्ग पॉइंट था लड़ाई, उसने वो अंकित के जाने के बाद से बंद कर दी। जैसे ही अंकित को निकाल दिया गया उसके बाद से प्रियंका जीरो लगने लगी। अब देखना होगा कि घर वालों की इस राय के बाद बिग बॉस क्या मास्टर स्ट्रोक चलेंगे। प्रोमो से अभी साफ नहीं हुआ है कि आखिर बिग बॉस ने घर वालों से प्रियंका के बारे में क्यों राय जाननी चाहिए। क्या वो ऐसा हर कंटेस्टेंट के लिए करेंगे या सिर्फ प्रियंका के बारे में ही पूछा गया, ये तो एपिसोड टेलीकास्ट होने के बाद ही पता चलेगा। पर इतना जरूर है कि टिकट टू टिकट फिनाले वीक टास्क ने बिग बॉस के घर में अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। भले ही इस हफ्ते की कैप्टन बनकर निमृत बेघर होने से बच गई हैं, लेकिन बाकी घर वालों का गेम प्लान और स्ट्रेटेजी अब खुलकर सामने आने लगी है। सबने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है। शालीन भनोट हाल ही एक एपिसोड में प्रियंका से कहते नजर आ रहे थे कि वो उन्हें कैप्टन बनाए, अगर वो कैप्टन बने तो प्रियंका को एलिमिनेशन से बचा लेंगे। अब जब शालीन कैप्टन नहीं बने तो उन्होंने पाला बदल दिया और प्रियंका के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर दी है। अभी के लिए फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। फिल्मी जगत की और भी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।